गाइज आ चुका है ऋतिक रोशन की फिल्म वॉर 2 से बड़ा अपडेट, और ये अपडेट एक्शन को लेकर है। और ये न्यूज़ आया है आज के पेपर में भी, जिसका कटिंग आप स्क्रीन पर देख सकते हो। तो बताएंगे क्या अपडेट है, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। वेल हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मूवी वाला। दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आगे ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। वॉर 2 से पहले बात करते हैं दोस्तों, कल मैंने आपको बताया था SS राजामौली और ऋतिक रोशन के बारे में। तो कल के वीडियो में आप लोगों का मिक्स रिएक्शन आया था। कुछ लोग बोल रहे थे कि ऋतिक रोशन को कर लेना चाहिए फिल्म SS राजामौली के साथ, और कुछ लोग का कहना था नहीं करना चाहिए। और मैंने आपको बताया था कि अभी ये रूमर भी हो सकता है, क्योंकि अभी कास्ट फाइनल नहीं है, बस महेश बाबू फाइनल है। और ये बात खुद SS राजामौली ने बताया है, वीडियो में आपको दिखाता हूँ। तो गाइज देखा, खुद SS राजामौली ने बताया है। अभी ऋतिक रोशन का जो अपडेट आया था उस पर अभी कोई भी कंफर्मेशन नहीं मिला है। फिलहाल बात करें वॉर 2 के बारे में, तो वॉर 2 से आज के दिन अपडेट आया है। तो बात करते हैं अपडेट के बारे में। तो आप सबको पता है अभी अंधेरी में YRF स्टूडियो में शूटिंग चल रहा है वॉर 2 का, और तलवारबाजी हम सबको देखने को मिलेगा ये शॉलिन टेम्पल का, ये तो आपको पता ही है। लेकिन अपडेट ये है कि इस वाले सीन में, मतलब कि शॉलिन वाले टेम्पल के सीन में, ऋतिक रोशन जापानी तलवार कटाना से लड़ाई करेंगे। जी हाँ दोस्तों, कटाना तलवार बहुत ही ज़्यादा भयंकर रहता है, और ये एक जापानी तलवार रहता है जिसको चलाने के लिए स्पेशल ट्रेनिंग भी लेना पड़ता है, और ऋतिक रोशन ट्रेनिंग ले चुके हैं। इसके अलावा ये सीन में आपको हैंड टू हैंड फाइट भी देखने को मिलेगा, और कटाना तलवार को चलाना आसान नहीं है, तो उसको भी चलाने के लिए ऋतिक रोशन ने ट्रेनिंग लिया है। तो ये वाला सीन, मतलब शॉलिन टेम्पल का सीन, बहुत ही खतरनाक लेवल का रहेगा, और कटाना तलवार से लड़ेंगे ऋतिक रोशन, और हैंड टू हैंड फाइट भी होगा। और कटाना तलवार बहुत ही खूबसूरत रहता है, आप सब फोटो में देख सकते हो, यही तलवार रहेगा। तो गाइज ये वाला सीन बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लेवल का बनाया जा रहा है। इसके अलावा बात करें जूनियर NTR के बारे में, तो जूनियर NTR अप्रैल मंथ से शूटिंग करेंगे, और इंडिया में ऋतिक रोशन और जूनियर NTR का शेड्यूल रहेगा 10 दिन का। उसके बाद इंटरनेशनल लोकेशन पे जाएंगे। और क्यारा आडवाणी भी मार्शल आर्ट सीख चुकी हैं, तो क्यारा आडवाणी का भी मार्शल आर्ट आपको देखने को मिलेगा, और ऋतिक रोशन का भी। तो फिलहाल का यही अपडेट है कि कटाना तलवार से लड़ेंगे ऋतिक रोशन शॉलिन टेम्पल वाला सीन में, और हैंड टू हैंड फाइट भी रहेगा उस सीन में। और आप लोग से एक सवाल मैं पूछता हूँ, देखते हैं कितने लोगों को पता है। तो देखो भाई, शॉलिन टेम्पल कहाँ है? चाइना में है शॉलिन टेम्पल, लेकिन जब जब शूटिंग का अपडेट आया वहाँ पर लिखा हुआ है जापान। तो ऐसे कैसे हो गया, जापान कहाँ से आ गया बीच में? तो इसका आंसर कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर आपको नहीं पता होगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।